नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस समय एक साथ कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। दोस्तों, एक तरफ जहां वैज्ञानिक ने अब तक चंद्रयान 2 की विक्रम लैंडर से संपर्क की कोशिश में हार नहीं मानी है, वहीं दूसरी ओर भारत की पहली मानव मिशन गगनयान की भी तैयारी जारी है। इस बीच दोस्तों, अब इसरो प्रमुख के शिवन ने एक बड़ी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी है। ये ऐसा है जो इसरो ने पहले कभी नहीं किया। दोस्तों, इसरो प्रमुख डॉक्टर के शिवन ने अंतरिक्ष में भारत के अपने स्टेशन के बारे में बात की है। कुछ महीने पहले शिवन ने बताया था कि भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। अब इसके लिए इसरो अगले साल स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। दोस्तों, इस प्रयोग के लिए इसरो 2 सैटेलाइट को एक PSLV रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजेगा। ये 2 सैटेलाइट मॉड्यूल इस तरह तैयार की जाएंगी कि ये अंतरिक्ष में रॉकेट से बाहर आने के बाद एक दूसरे से जुड़ सके, और यही सबसे जटिल प्रक्रिया भी होगी। तो इसरो प्रमुख के अनुसार जुड़ने की प्रक्रिया ठीक वैसे ही होगी जैसे इमारत बनाने के लिए एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ना। छोटी छोटी चीज जुड़कर बड़ा आकार बनती है, और स्पेस स्टेशन बनाने के लिए भी ये प्रक्रिया सबसे अहम है। इस प्रयोग की सफलता ही पता चलेगा कि हम स्पेस स्टेशन में जरूरी वस्तुओं और अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित तरीके से पहुँचा सकेंगे या नहीं। दोस्तों, इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कार्य कर रहा है, जिसे 5 देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर बनाया है, जैसे कि अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा। इन सभी को मिलकर ISS बनने में करीब 13 साल लगे थे। इसके लिए भी डॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, और ISS के लिए कुल 40 बार डॉकिंग की गई थी। दोस्तों, इस प्रयोग की सबसे जटिल प्रक्रिया होगी अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट की गति को कम कर उन्हें एक दूसरे से जोड़ना, क्योंकि दोस्तों अगर गति कम है तो वो आपस में टकरा जाएंगे। और इस प्रयोग के लिए इसरो को सरकार ने फिलहाल 10 करोड़ रुपया दी है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसरो प्रमुख ने कहा है कि स्पेस स्टेशन के लिए स्पेडक्स पहले करने का मतलब यह नहीं कि हम गगनयान को टालेंगे। गगनयान दिसंबर 2021 में ही होगा, और स्पेस स्टेशन के लिए यह स्पेडक्स एक प्रयोग मिशन है। तो दोस्तों, हमारा देश भी अभी खुद के बल पर स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अभी से लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग और अपडेट न्यूज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और अपडेट न्यूज़ इस चैनल में हम लोग रोज लाते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा वाला बटन है वो भी प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। सुस्त रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।